हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को यहां पे लेक्चर 5 होने वाला है, यहां पे फर्स्ट से लेकर अगर 4 तक लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं, देखे भी होंगे तो आई होप कि आप लोग को वो वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोग को जो भी स्टूडेंट उस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप जाके वहां पे वॉच कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे आज लेक्चर 5 में क्या होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 में ईथरनेट क्या होता है और वहीं पे पीएलसी क्या होता है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बेस पे और काफी बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ईथरनेट क्या होता है और पीएलसी क्या होता है, इनके पूर्ण डिफिनेशन क्या होते हैं, इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसके लाभ और प्रकार कितने होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन पहला टॉपिक हमारा आता है ईथरनेट क्या होता है। अब ईथरनेट, जैसा कि आप लोग को पता होगा, ईथरनेट को हम लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको ईथरनेट का अगर कोई भी दूसरा नाम दे दिया गया यानी लैन किसे कहते हैं, तब भी आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ईथरनेट का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिनके माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं, घर या ऑफिस में या फिर स्कूलों में नेटवर्क मतलब कवर करते हैं, नेटवर्क को कवर करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, तो ईथरनेट के जरिए हम उस पर जो भी प्रोसेस होता है इंटरनेट कवर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, एग्जाम बेस पे अगर टॉपिक आ जाता है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि लैन कंप्यूटर और नेटवर्क है, मतलब लैन यानी लोकल एरिया क्या है, आपका कंप्यूटर और एक क्या है नेटवर्क भी है। और वहीं पे बात किया जाए जो एक से छोटे एरिया को कवर करता है, मतलब क्या करता है, नेटवर्क जो नेटवर्क को मतलब नेटवर्क का प्रोसेस किसी एक छोटे एरिया को कवर करता है। आगे बात किया जाए, जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया आदि, ईथरनेट की मदद से कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ईथरनेट का हम यूज क्या करते हैं, कंप्यूटर डिवाइसों के माध्यमों पर, कई सारे डिवाइसों के माध्यम में, कई सारे कंप्यूटर को माध्यम से इंटरनेट, हम ईथरनेट के जरिए हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और हम साथ में सारा प्रोसेस भी चला सकते हैं। किसके माध्यम पर, ईथरनेट के जरिए पर, यानी कहने का मतलब है कि ईथरनेट के जरिए हम कई सारे कंप्यूटरों पर, कम से कम 10 से ज़्यादा कंप्यूटरों पर इंटरनेट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। किनके माध्यम पर, तो ईथरनेट के जरिए पर। तो यहाँ पे ईथरनेट का यूज कहाँ होता है, तो किन्हीं 10 या 10 से अधिक कंप्यूटरों को नेटवर्क जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ईथरनेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ईथरनेट मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो फास्ट ईथरनेट, नेक्स्ट वे पे बात किया जाए गीगाबिट ईथरनेट और 10 गीगाबिट ईथरनेट। अब यहाँ पे फास्ट ईथरनेट क्या होता है, फास्ट ईथरनेट कहाँ यूज किया जाता है, तो जैसा कि आप लोग को किसी एक कमरे के लिए, कमरे में अगर कई सारे कंप्यूटरों को चलाना है, कई सारे डिवाइसों को चलाना है, तो कौन सा ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है, तो फास्ट ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे गीगाबिट ईथरनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसे कि क्या हो गया, ऑफिस हो गया या फिर स्कूल वगैरह हो गया, यहाँ पे अगर ऐसे कई सारे डिवाइसों को कनेक्ट करना है या फिर डिवाइसों के माध्यम पर कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, किसका, गीगाबिट ईथरनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, 10 गीगाबिट ईथरनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी कस्बे का यूज कर लिया जाए, मतलब किसी कस्बे में या फिर 2 से 4 घरों के अंतर्गत अगर किन्हीं चार आपस में किन्हीं डिवाइसों को कनेक्ट करना होता है, तो किन का प्रयोग करते हैं, कौन से ईथरनेट का, तो 10 गीगाबिट ईथरनेट का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोग को ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ईथरनेट से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ईथरनेट का आप लोग को समझ में आ गया और टॉपिक, और आप लोग को छोटा सा अगर टॉपिक समझ में आ गया तो आप लॉन्ग डिफिनेशन बना सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पीएलसी क्या होता है। अब पीएलसी जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफिनेशन हमारा क्या कहता है पीएलसी का, तो पीएलसी का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या होता है आपका, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यानी पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिनके माध्यम पर हम क्या करते हैं, किन्हीं डिवाइसों को, किन्हीं कंप्यूटरों को या फिर किन्हीं मशीनों को कंट्रोल करते हैं। जो भी उसमें प्रक्रम होते हैं उसको क्या करते हैं, नियंत्रण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पीएलसी का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे इसकी डिफिनीशन हमारी क्या होती है, डिफिनीशन किस प्रकार से होती है इनके बारे में देखेंगे। तो पीएलसी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जो किसी मशीनों अथवा प्रक्रमों को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब पीएलसी हमारा क्या होता है, एक कंप्यूटर के ही भांति होता है, जिनको हम क्या करते हैं, जिनके माध्यमों पर किसी मशीनों या फिर किन्हीं नियंत्रणों को, किन्हीं टूलों को क्या किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करता है किया जाता है, तो पीएलसी का यूज किया जाता है। आप लोग को अगर एग्जाम के बेस पे पीएलसी का उपयोग कहाँ होता है, तो पीएलसी का उपयोग आप लोग क्या लिखेंगे, किन्हीं मशीनों को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम पीएलसी का प्रयोग करते हैं। अब मशीन के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, उसका टूल भी कंट्रोल किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग भी कंट्रोल किया जाता है, उसका किस प्रकार से लेवल है वो भी सारा प्रोसेस आपको कंट्रोल करने के लिए, मतलब मशीनों को जो भी पार्ट चल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पीएलसी का प्रयोग करते हैं। पीएलसी किसके द्वारा की जाती है, मतलब पीएलसी के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो ये मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखेंगे, पहला हमारा होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जिनके माध्यम पर हम कुछ प्रोग्राम उस पर फीड कर सकें, मतलब दे सकें, तो हमारा क्या होता है इनपुट, और आउटपुट हम कुछ प्राप्त कर सकें तो इनका भी एक प्राप्त होता है। मतलब कंप्यूटर क्या होता है, अगर हम मेमोरी से कुछ ना डाटा फीड करेंगे, कुछ ना कुछ डाटा फीड करेंगे, तभी तो हमारा उसमें आउटपुट हमें प्रदान होगा। तो कहने का मतलब है कि पीएलसी के माध्यमों पर हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस इनपुट और आउटपुट का एक मुख्य पार्ट होता है, किसका, पीएलसी का। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, केंद्रीय प्रक्रम इकाई यानी कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट, किसके माध्यम से, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के जरिए हम क्या होता है, जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो सीपीयू के माध्यम पर और जो भी उसका सप्लाई वगैरह होता है उन्हीं के जरिए, और कंप्यूटर का एक रूप से हम कह सकते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पार्ट को मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है, सीपीयू होता है, जिनके माध्यम पर हम प्रोग्राम को फीड करते हैं, जिनको माध्यम पर हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, जिनके माध्यम पर हम प्रोग्राम को रनिंग कराते हैं, सारा हमारा कंट्रोल किससे करता है, किसके जरिए करते हैं, तो हम सीपीयू के जरिए ही करते हैं। यानी पीएलसी का मुख्य पार्ट कौन सा होता है, सीपीयू भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, शक्ति स्रोत यानी पावर सप्लाई, जिनके माध्यम पर हम कंप्यूटर और सीपीयू को चलाते हैं, माउस और कीबोर्ड को चलाते हैं, पावर देते हैं, जिनके माध्यम पर हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो चलता है। तीन पार्ट मुख्य होते हैं किसके, तो पीएलसी के। कौन कौन से, इनपुट और आउटपुट, और वहीं पे बात किया जाए सीपीयू, और तीसरा पार्ट हो जाता है पावर सप्लाई। तीन पार्ट मुख्य होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि फिगर भी आ जाता है एग्जाम के बेस पे, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आप लोग को फिजिकली सिग्नल, जिनके माध्यम पर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा सिग्नल मिलता है तब हम क्या करते हैं, इनपुट सिस्टम करते हैं, और इनपुट सिस्टम किस प्रकार कहाँ को भेजते हैं, तो हम सीपीयू को भेजते हैं, और इनपुट सिस्टम के साथ साथ हमें पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है। मतलब मेन पार्ट होता है आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हम किसी बोर्ड के माध्यम पर लिए जाते हैं, तो पावर कहाँ कहाँ पे जरूरत होती है पावर सप्लाई की, तो सबसे पहले जहाँ पे इनपुट हम कर रहे हैं वहाँ पे भी जरूरत होती है। नेक्स्ट बात किया जाए सीपीयू को, सीपीयू जिनके माध्यम पर हम डाटा को सेव करते हैं वहां पे भी पावर सप्लाई की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात किया जाए आउटपुट सिस्टम, आउटपुट जहां हमें प्राप्त होता है वहां पे भी सप्लाई होने, मतलब वहां पे भी हमें जरूरत होती है। पर वहीं पे बात किया जाए नेक्स्ट आउटपुट सिग्नल, मतलब सबसे पहले हम इनपुट करेंगे, इनपुट किसको करते हैं, तो सीपीयू को करते हैं। अब सीपीयू को करेंगे, जो भी उसमें प्रोसेसिंग होगा, जो भी हमारा करना चाहते हैं, जो भी उसका प्रोसेस करना चाहते हैं, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें आउटपुट सिस्टम प्राप्त होगा, और आउटपुट तीनों जगहों पर हमें पावर की जरूरत होती है। कौन कौन सी जगह पे, इनपुट और सीपीयू पर, और वहीं पे आउटपुट पे। अगर ये तीनों सप्लाई, तीनों प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है, तो अभी हमें
हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, जिनके माध्यमों पर हम मशीनों पर जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। किनके माध्यमों पर? तो ऐसे फिगर यानी पीएलसी के माध्यमों पर हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पीएलसी का यूज यानी आवश्यकताएं क्या क्यों पड़ी, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, पीएलसी की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं और किस लिए यूज किया गया इनके बारे में। तो यहाँ पे डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, औद्योगिक क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतर प्रक्रिया में श्रेणीबद्ध स्वचालित प्रचालनों की आवश्यकता होती है तथा एक निश्चित समय अंतराल में प्रत्येक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है। मतलब पीएलसी का यूज कहाँ किया गया, क्यों किया गया, तो आप लोग देखे होंगे कई सारे प्रोडक्ट की, अगर हमें किसी ना किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो कई सारे अगर प्रोडक्ट हमें एक साथ ही, या फिर कहने का मतलब है एक ही प्रोसेस पर हमारा पार्ट पूरा सेम जैसे पार्ट बनते रहे, तो किस लिए इसका यूज किया गया, तो इसलिए पीएलसी का यूज किया गया। क्यों यूज किया गया, अगर हमारा एक पार्ट तैयार हो गया, पार्ट तैयार होने के बाद दूसरा मैं पार्ट उसी के जरिए उसी के भांति में बनाना है तो उसमें क्या होता है, अगर पीएलसी का यूज नहीं किया गया तो एक पार्ट को पूरा संरचना बनाया गया, संरचना बनाने के बाद उसे क्या जो भी प्रोसेस होता है प्रोसेस किया गया, दूसरा पार्ट बनाने के लिए फिर भी हमें उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें पहला प्रोग्राम बनाया गया उसी के भांति हमें दूसरा भी रन कराना पड़ेगा। बल्कि पीएलसी का यूज करके इस प्रकार से बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ, केवल एक बार हमें प्रोग्राम बना लिया गया और प्रोग्राम बनाने के बाद जितनी बार इनपुट हम प्रदान करते रहते हैं उतना ही आउटपुट हमें प्रदान होता रहता है। किसके माध्यम पर, हम प्रोग्राम के जरिए पर, इसी के लिए हम पीएलसी का यूज किया गया। और पीएलसी का यूज क्यों किया गया, एक और बड़ा फायदा है पीएलसी का यूज इसलिए किया गया, इसमें टाइम की जो बचत होती है बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब है हम कम से कम समय पर पीएलसी के जरिए अधिक से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए यही सब सारा देखते हुए हम पीएलसी का यूज किया गया। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पीएलसी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में देखेंगे। तो पीएलसी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा आता है, इसमें सरलतम से प्रोग्राम करना तथा आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। पीएलसी का मतलब, पीएलसी की विशेषताएं क्या है हमारी, कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो अपने आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हमें कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ गई या फिर किसी न किसी प्रकार की डिजाइनिंग है, तो हम प्रोग्राम को सेव करके उस प्रोडक्ट में अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्त भी किया जा सकता है। किसमें? पीएलसी के माध्यम पर। मतलब पीएलसी की ऐसी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम पर हम कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है तो आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम को बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, प्लांट की प्रणाली से सरलता से जोड़ा तथा प्रयोग किया जा सकता है। मतलब पीएलसी का अगर जो भी उसका पार्ट होता है उसे आसानी से भी खोला और बंद भी किया जा सकता है, ये विशेषताएं होती हैं किसकी, पीएलसी की। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, औद्योगिक वातावरण में कार्य करने से अधिक विश्वसनीय होता है। मतलब पीएलसी का यूज क्यों किया गया, इसकी विशेषताएं ये है हमारी कि अगर हम जो भी उसका प्रोग्राम बनाने के बाद हम जो भी आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो अधिक शक्तिशाली और अधिक विश्वसनीय होता है, कि हमारा 100% जो प्रोडक्ट है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से यही सब हमारी किसकी विशेषताएं हैं, तो पीएलसी की विशेषताएं हो जाती है। आई होप गाइस यहाँ पे पीएलसी क्या होता है, पीएलसी की आवश्यकताएं क्या होते हैं, पीएलसी की विशेषताएं कौन कौन से होते हैं और ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।